नमस्कार, मैं हूँ राजीव व्यास। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देश दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। देश में 8 राज्यों की 58 सीटों पर वोटिंग, शाम 5 बजे तक 57.70% मतदान। छोटे बच्चों को पानी तक नहीं पिला पा रही गुजरात सरकार, भावनगर की आंगनवाड़ियों में ज्यादातर आरओ प्लांट बंद। वडोदरा के दिवेरमढ़ी में बड़ी दुर्घटना, पानी में डूब गए नहाने आए 5 लोग। भारत में हो रहे लोकसभा चुनाव में आज 6ठे चरण का मतदान हुआ। अब एक ही चरण का चुनाव बाकी है। लोकसभा चुनाव के 6ठे फेज में आज शनिवार को 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 58 सीटों पर वोटिंग कराई गई। 5 फेज में 429 सीटों पर मतदान हो चुका है। 1 जून को आखिरी 56 सीटों पर वोटिंग होगी। चुनाव आयोग के मुताबिक शनिवार को 58 सीटों पर दोपहर 5 बजे तक 57.70% वोटिंग हुई है। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में 77.99% और सबसे कम जम्मू कश्मीर में 51.35% मतदान हुआ। चुनाव के बीच पश्चिम बंगाल के झारग्राम से भाजपा उम्मीदवार प्रणत टुड्डू पर हमला हुआ। पत्थर लगने से उनका सुरक्षाकर्मी घायल हो गया। मतदाताओं को धमकाए जाने की शिकायत मिलने के बाद टुड्डू गरबेटा में एक बूथ का दौरा कर रहे थे। प्रणत टुड्डू की कार में भी तोड़फोड़ की गई है। भाजपा ने टीएमसी पर हमले का आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल के तमलुक में वोटिंग से पहले भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ झड़प में एक टीएमसी समर्थक घायल हो गया। यहां की कोलकाता हाईकोर्ट के पूर्व जज भाजपा के प्रत्याशी हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी से पीडीपी की प्रत्याशी महबूबा मुफ्ती धरने पर बैठ गई। उन्होंने ईवीएम के साथ छेड़छाड़ और मोबाइल फोन का आउटगोइंग कॉल बंद करने का आरोप लगाया है। 2019 में इन सीटों पर सबसे ज्यादा भाजपा 40, बसपा 4, बीजेडी 4, सपा 1, जेडीयू 3, टीएमसी 3, एलजेपी और आजसू ने एक एक सीट जीती थी। कांग्रेस और आप को एक भी सीट नहीं मिली थी। सरकार अलग अलग योजनाओं के तहत छोटे बच्चों के विकास की बातें तो कर रही है, लेकिन भीषण गर्मी में भी बच्चों को पीने का पानी तक मुहैया नहीं करा पा रही है। यह आंगनवाड़ी गुजरात के भावनगर जिले की है, जहां 40-45 डिग्री तापमान के पारे के बीच भी छोटे छोटे बच्चों को पीने का पानी तक नहीं मिल रहा है। राज्य सरकार द्वारा पीने के पानी के लिए यहाँ आरओ प्लांट लगवाए गए थे, लेकिन पिछले 1.5 साल में सिर्फ घोघा में 99 में से 96 आरओ प्लांट बंद पड़ गए हैं। भावनगर जिले में 1500 आंगनवाड़ी है, जिसमें से ज्यादातर आंगनवाड़ी में आरओ प्लांट सिर्फ दीवार पर टंगा हुआ एक मशीन बन गया है। इसमें से बच्चों को पानी नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में बच्चों को अपने घर से ही पानी लेकर आना पड़ रहा है, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि इस पर कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। નવાણું વોટર પ્યુરિફાયર જે છે એ આપવામાં આવેલા હતા, અને જેમાં હાલની સ્થિતિએ 3 વોટર પ્યુરિફાયર છે એ કાર્યરત છે અને 96 વોટર પ્યુરિફાયર બંધ છે। અંદાજે 1.5-2 વર્ષ પહેલાં આ વોટર પ્યુરિફાયર જે છે એ નાખવામાં આવેલ છે। જેટલા બી વોટર પ્યુરિફાયર બંધ છે એનું બંધનું શું રીઝન્સ છે, ટેકનિકલ એરર છે કે પાણીનો કોઈ પ્રશ્ન છે, જે કંઈ રીઝન્સ હશે એ અમારા દ્વારા જે છે કેન્દ્ર ડિટેલની વિગત મગાવવામાં આવશે અને અમારી લેવલથી એને કાર્યરત કરવા માટેના બેસ્ટ પ્રયત્ન કરવામાં આવશે। भावनगर की आंगनवाड़ी में लाखों रुपयों का खर्च कर लगाए गए आरओ प्लांट तो बंद हैं ही, उसके साथ नल के जो कनेक्शन दिए गए हैं वहां पानी ही नहीं आता है। टॉयलेट बाथरूम की सुविधा भी पानी की कमी के चलते बंद हो गई है, और ऐसी विषम परिस्थिति में छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। गुजरात के वडोदरा जिला के शिनोर के दिवेरमढ़ी में गर्मी से राहत पाने के लिए सैकड़ों की संख्या में रोजाना लोग उमड़ रहे थे, लेकिन इसी बीच यहाँ दुर्घटना सामने आई है। गुजरात के वडोदरा जिला के शिनोर में दिवेरमढ़ी पिछले दिनों पर्यटन स्थल के रूप में लोगों में काफी प्रसिद्ध हो रहा है। यहाँ नर्मदा नदी में स्नान के लिए बड़ी संख्या में लोग परिवार समेत लगातार पहुंच रहे थे। गर्मी से राहत पाने के लिए सैकड़ों की संख्या में रोजाना लोग दिवेरमढ़ी पहुंच रहे थे। इसी बीच यहाँ दुर्घटना की खबर सामने आई है। बीती शाम यहाँ 5 लोग नर्मदा नदी के प्रवाह में डूब गए, जिनमें से 3 लोगों को तो फौरन बचा लिया गया, लेकिन 2 लोग लापता हो गए थे।
इन दोनों लोगों के शव को भी आज बरामद कर लिया गया है, जिसमें एक अंकलेश्वर के 31 वर्षीय रमेश पटेल और दूसरे भरूच के 16 वर्षीय यश पटेल भी शामिल है। दिवेर मठी में नर्मदा नदी में डूब जाने की इस घटना के चलते पुलिस और प्रशासन हरकत में आ गया है। पुलिस ने फौरन नर्मदा नदी का ये तट खाली करवा दिया। 5 बाइक और 1 रिक्शा लेकर 24 से जितने व्यक्ति महिला और बच्चों के साथ दिवेर मठी में नर्मदा स्नान के लिए पहुंचे हुए थे, लेकिन नर्मदा में तेज जल प्रवाह में 5 लोग डूब गए थे, जिसमें से 3 लोगों को बचाया गया, लेकिन 2 लोगों की दुर्घटना में दुखद मौत हो गई है। कर्जन पुलिस ने दोनों के शव को बरामद कर पोस्टमार्टम हेतु अस्पताल भेज दिया है। एक कलाक पछी हमने खबर पड़ी कि हमारी कुटमाटी बे छोकरा ने मलटा अने ज्यार पछी मैं तंत्र ने जान करी अने ज्यार पछी तंत्र ए सूटकोर चालू करी छे। छत्तीसगढ़ की बारूद बनाने वाली फैक्ट्री में धमाके से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में स्थित एक बारूद फैक्ट्री में बड़ा धमाका हुआ है। बताया जा रहा है कि मलबे में कई लोग दबे हो सकते हैं। अभी सिर्फ आसपास काम कर रहे मजदूरों का रेस्क्यू किया गया है। इनमें से 7 घायलों को रायपुर लाया गया था, जिसमें से 1 ने दम तोड़ दिया है। घटना बेरला ब्लॉक के ग्राम बोरसी स्थित स्पेशल ब्लास्ट लिमिटेड बारूद फैक्ट्री की है। फैक्ट्री का पूरा कैंपस करीब 40 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें करीब 50,000 स्क्वायर फीट में 3 सेटअप लगे थे। इसमें से 1 सेटअप में ब्लास्ट हुआ है। वहीं सेटअप के आसपास 4 टंकियों में एक्सप्लोजिव लिक्विड भरा हुआ था। इसमें से 1 टंकी ब्लास्ट में जमींदोज हो गई है। नष्ट हुई टंकी से लिक्विड ब्लास्ट हो रहा है, जिसे ठंडा करने की कोशिश लगातार जारी है। बाकी 2 सेटअप और आसपास की 3 टंकियां अभी सुरक्षित हैं। यहां काम कर रहे मजदूरों को भी रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन जिस सेटअप में ब्लास्ट हुआ वहां मलबे में दबे मजदूरों का रेस्क्यू किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि करीब 7:45 बजे किसी मशीन में आग लगी, जिसके बाद ये ब्लास्ट हुआ। यहाँ 8 से 10 मजदूर मौके पर थे। फैक्ट्री में 800 से ज्यादा लोग काम करते हैं। रायपुर रेफर किए घायलों में से 1 मजदूर ने कहा कि जिस बिल्डिंग में ब्लास्ट हुआ वहां 8-10 लोग मौके पर थे, हम लोग दूसरी बिल्डिंग में थे। मामूली बातों में एक दूसरे को मौत के घाट उतार देना अब आम बात होती जा रही है। कुछ ऐसा ही संस्कारी नगरी कहे जाते वडोदरा में फिर एक बार सामने आया है। वडोदरा के उंडेरा में गायत्री स्कूल है, जो पिछले कई वक्त से बंद है, और इस बंद स्कूल में अब पर प्रांतीय लोग किराए पर रहते हैं। उनमें आपस में हुए झगड़े में 20 वर्षीय धीरज सुरेश दास की हत्या कर दी गई है, जिसकी जानकारी पाकर DCB क्राइम ब्रांच समेत के पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और मौके से सबूत जुटाए। यहां बंद स्कूल में CCTV भी लगे हुए हैं, जिसके आधार पर मामले की जाँच की जा रही है। इसमें हमको पता चला तो हम इधर आए तो देखे तो अभी रूम बंद है, इसके अलावा हमको कुछ पता भी नहीं है। हाँ, रिलेशन का गांव का था। BNM TV पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। पंखा कम वोल्टेज में कम हवा। Switch to RR Signature BLDC fans, जो दे फुल स्पीड कम वोल्टेज में। RR Signature fans, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments, या तुम नंबर से एक grand living room with an amazing view, साथ ही एक comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms लो पहलो bedroom with an amazing balcony view, साथ ही the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house, this is so amazing, so grand and so beautiful. Best vada apartments ni ese ka ya tumne mara se walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे।
नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय। गुजरात के अमरेली के धारी की ICICI बैंक में मैनेजर द्वारा चोरी किए जाने का मामला सामने आया है। धारी की ICICI बैंक में ब्रांच मैनेजर के रूप में नौकरी करने वाले अमरेली के शैलेश गढ़िया ने खुद के ही बैंक में 6,65,000 रुपयों की चोरी की है, जिसकी जानकारी मिलने पर पुलिस थाने में शिकायत की गई है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बैंक मैनेजर को गिरफ्तार कर पूछताछ की। बैंक के मैनेजर द्वारा ही की गई ऐसी धोखाधड़ी से बैंक प्रशासन भी सकते में है। वहीं बैंक में ये नगद आई कैसे, उसकी भी जांच की जा रही है। बैंक के कर्मचारी ही नगद पैसे बैंक में रखकर बड़े घोटाले को अंजाम दे रहे हैं, जिसकी जांच जरूरी है। मध्य प्रदेश के रतलाम में मेडिकल कॉलेज की पार्किंग में शराब से भरी कार मिलने से सनसनी मच गई है। मध्य प्रदेश के रतलाम से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां अस्पताल परिसर में ही एक आरोपी ने शराब छुपा दी थी। रतलाम में मेडिकल कॉलेज के पार्किंग से पुलिस ने 68 पेटी शराब जब्त की है, जिसमें 3 पेटी अंग्रेजी शराब और 65 पेटी देशी शराब पकड़ी गई है, जिसकी कीमत करीब 2,00,000 से ज्यादा है। मामले के उजागर होते ही पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया। फौरन पुलिस मौके पर पहुंची और यहां संदिग्ध अवस्था में घूम रहे प्रिंस टांक नामक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया है, जिससे पूछताछ में उसने कबूल किया कि पुलिस के डर से उसने मेडिकल कॉलेज में गाड़ी खड़ी कर दी थी। प्रिंस वसंतीलाल टांक की जो दारू पकड़ाई है, उस दारू को पीछे हम लोग दो दिन से लगे थे। लगातार 2 दिन से मेरे द्वारा कार्रवाई की गई थी। उसके पिताजी के विरुद्ध भी मेरे द्वारा कल प्रकरण पंजीबद्ध किया, जिसमें 36 कैन बियर पकड़ी गई थी। उससे पूर्व में इसके नौकर का भी केस बनाया गया और उससे पूर्व में मेरे द्वारा 3 पेटी का केस का बनवाया गया था। लगातार मैं इसके पीछे पड़ा हुआ था, मेरे पास में इनपुट था कि ये कहीं ना कहीं से माल ला के बेच रहा है। मुझे जैसे ही खबर मिली कि एक डी ब्लॉक में अननोन गाड़ियाँ खड़ी है, मेरा आरक्षक भगवतीलाल सोलंकी और हम मौके पर मौजूद हुए, जहाँ पर मेरे द्वारा इसको कवर हटा के इसको देखा गया कि ये किस तरीके की। पुलिस वहाँ चूंकि मौजूद थी, क्योंकि वहाँ पे चौकी मौजूद होने के कारण वहाँ पे आरक्षक की ड्यूटी लगी हुई रहती है और वहाँ मौजूद रहते हैं वो लोग, तो वो भी वहाँ पे मौजूद थे। तो TI साहब द्वारा इसकी कार्रवाई की गई है और हमारे द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई है, और इसमें जो भी कार्रवाई हो TI साहब आपको बताएंगे। कि मेडिकल कॉलेज के डी ब्लॉक की पार्किंग में एक टाटा नेक्सोन गाड़ी खड़ी हुई है, जिसमें कि शराब होना संभावित है। उक्त सूचना पर हमने वहाँ पे तस्दीक और कार्रवाई की, तो मालूम पड़ा कि एक टाटा नेक्सोन गाड़ी जो कि लॉक थी, उसमें लगभग 68 पेटी देसी और विदेशी शराब भरी हुई थी। इसमें 60 पेटी देसी सफ़ेद शराब है और 8 पेटी बियर है। लगभग 540 बल्क लीटर शराब है, ये 2,40,000 कीमती है। और ये जो गाड़ी है, ये बसंती लाल पिता लक्ष्मी नारायण टांक निवासी सजावता की है। ये व्यक्ति को हमने कुछ दिन पहले ही शराब बेचने के केस में बंद किया था, तो ये इससे हमारे पुलिस वाले परिचित थे। उक्त गाड़ी की तस्दीक की जा रही थी, तभी वहाँ पर जो आरोपी है प्रिंस पिता बसंतीलाल टांक, जो कि बसंतीलाल का लड़का है, ये भी मेडिकल कॉलेज में संदिग्ध अवस्था में घूमता हुआ मिला था। इसको जब हमने हिरासत में लेके पूछताछ की, तो इसने स्वीकार किया कि ये दारू जो है उसके घर पे रखी थी, जो उसने संभवतः डर के मारे गाड़ी में रख के और वहाँ पर मेडिकल कॉलेज की पार्किंग में खड़ी कर दी थी। गुजरात के अरवली जिले के मोडासा के लोगों के लिए अच्छी खबर है कि उनके लिए 31 जुलाई तक चले इतना पानी माझुम डैम में मौजूद है। गुजरात में तापमान का पारा 40 से 45 डिग्री के आसपास चल रहा है। भीषण गर्मी में जगह जगह पानी की किल्लत हो रही है। इसी बीच अरवली जिले के मोडासा के लोगों के लिए अच्छी खबर है। यहाँ माझुम डैम में 31 जुलाई तक चले उतने पानी का संग्रह है। माझुम डैम से रोजाना 9 MLD पानी लोगों को पहुंचाया जाता है। वहीं 2.50 MLD पानी नगरपालिका द्वारा बोर और कुएं से लिया जाता है। मोडासा के लोगों को रोजाना 11.50 MLD पानी की जरूरत होती है। ऐसे में मोडासा नगरपालिका के अध्यक्ष नीरज शेठ का कहना है कि 31 जुलाई यानी मॉनसून तक मोडासा के लोगों को जल आपूर्ति की जा सके उतना पानी माझुम डैम में मौजूद है। मोडासा नगरपालिका ની અંદર માજુમ ડેમ માંથી આપ જોઈ શકો ત્યાં સુધી પાણી આવે છે અને માજુમ ડેમ ની અંદર 31 જુલાઈ સુધી ચાલે એટલો જથ્થો અત્યારે અવેલેબલ જ છે અને આઈ થિંક એકાદ મહિનામાં ચોમાસાની પણ આવક થવાની છે તો પીવાના પાણી અંગે આપ જાણો તો એ પ્રમાણે કોઈ પણ પ્રકારની તકલીફ મોડાસા નગરની જનતાઓને થશે નહીં।
અત્યારે હાલની તારીખમાં 11.5 ml જેટલું પાણી દૈનિક આપણે વાપરીએ છીએ અને 45 દિવસ સુધી તમે જોઈ શકો ત્યાં સુધી 0.37 MCM જેટલું પાણીની આપણે આવક અત્યારે ઓલરેડી હયાતમાં છે જ. તો હું જાણું ત્યાં સુધી કોઈપણ પ્રકારની મોડાસાની જનતાને પાણી પ્રકારે કોઈપણ સમસ્યા આવશે નહીં. कांस फिल्म फेस्टिवल के 77 साल के इतिहास में पहली बार किसी भारतीय को सर्वश्रेष्ठ अदाकारी के लिए पुरस्कार मिला है. 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में कोलकाता की रहने वाली एक्ट्रेस अनसुईया सेन गुप्ता ने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड अपने नाम किया है. अनसुईया को ये अवार्ड अनसर्टेन रिगार्ड सेगमेंट में फिल्म द शेमलेस में उनकी परफॉर्मेंस के लिए मिला है. इसके साथ ही वे कांस के इतिहास की पहली भारतीय एक्ट्रेस बन गई हैं, जिन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया है. अनसुईया ने यह अवार्ड दुनिया भर में समलैंगिक समुदाय और हाशिए पर रहने वाले अन्य समुदायों को समर्पित किया है. एक्ट्रेस ने स्टेज पर कहा कि ये सभी समुदाय बहादुरी से एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जो उन्हें नहीं लड़नी चाहिए. उन्हें समाज में बराबरी का हक पाने के लिए लड़ना पड़ रहा है. अपने बच्चों का जन्मदिन तो हर कोई धूमधाम से मनाता ही है, लेकिन उत्तर प्रदेश से आए हुए एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर धूम मचाई है, जिसमें एक शख्स अपने पेट डॉग का बर्थडे मना रहा है. उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से एक बहुत ही दिलचस्प वीडियो सामने आया है, जिसमें बिजुआ ब्लॉक के गोदिया गांव निवासी गुड्डू गौतम नाम के एक शख्स ने अपने पालतू कुत्ते काजू का जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ केक काट कर मनाया. कुत्ते के जन्मदिन के मौके पर गुड्डू ने गांव के लोगों को दावत देकर जन्मदिन को शानदार बनाया. वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ. बने रहिए हमारे साथ. पार्ट ऑफ द RR ग्लोबल कंग्लोमरेट विद प्रेजेंस इन ओवर 50 कंट्रीज. RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand. A wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. Every new year, we take a new year resolution. New year resolution ka matlab hota hai upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. गुजरात के अमरेली के जंगलों में शेरों को पानी नहीं मिल रहा होने की खबर को वन विभाग ने खारिज किया है. कुछ दिनों पहले गुजरात के अमरेली के जंगलों में शेरों को पानी की किल्लत होने की खबर अखबार में सामने आई थी. दरअसल सावरकुंडला के धोबा रेवेन्यू इलाके में कुदरती रूप से पानी के स्रोत मौजूद हैं, जिस जगह का वीडियो यह कहते हुए वायरल हुआ कि गर्मी में अमरेली के जंगलों में शेर को पानी नहीं मिल रहा है. उससे 200 मीटर की दूरी पर शेत्रुंजी नदी बहती है और नदी में पानी भी है. ऐसे में शेरों को पानी नहीं मिल रहा होने का दावा सही नहीं होने की बात वन विभाग द्वारा कही गई है. वन विभाग द्वारा शेरों के लिए पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है. ऐसे में अखबार में लिखी गई खबर गलत होने की बात वन विभाग ने एक पत्र के जरिए सूचना माध्यमों में साझा की है. शेत्रुंजी वन्यजीव विभाग में
અમરેલી અને ભાવનગર જિલ્લામાં ચાલુ હીટવેવની આશંકાને ધ્યાનમાં રાખી અને કુલ 91 વોટર પોઈન્ટનું કાર્યરત છે, જેની અલગ અલગ માધ્યમથી પાણી ભરવામાં આવતા હોય છે. આ તમામ વોટર પોઈન્ટમાં સોલાર પોઈન્ટ, સોલાર પેનલ છે, વિન્ડમિલ છે, વોટર ટેન્કર છે. અમરેલી જિલ્લાની ખાસ વાત કરું તો કુલ 50 વોટર પોઈન્ટ હાલમાં કાર્યરત છે, જેમાં ચાલુ વર્ષ 23-24માં જો આપને વાત કરું તો કુલ નવા 70 વોટર પોઈન્ટ બનાવવામાં આવેલા છે. અને આ તમામ વોટર પોઈન્ટનું સ્ટાફ દ્વારા ચકાસણી કરવામાં આવતી હોય છે અને વોટર પોઈન્ટને રિપેરિંગ કામગીરી, વોટર પોઈન્ટ રોજેરોજ ભરવાની કામગીરી ની ચકાસણી પણ કરવામાં આવતી હોય છે. उत्तराखंड के हरिद्वार में चार धाम के साथ साथ अब कांवड़ यात्रा भी शुरू होगी, जिसकी तैयारियां प्रशासन द्वारा की जा रही है. उत्तराखंड के हरिद्वार में चार धाम के साथ ही कांवड़ यात्रा पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष बैठक आयोजित की गई. जिलाधिकारी धीरज सिंह गब्रियाल ने इस मामले अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें पुलिस, राजस्व, पर्यटन, नगर निगम, NHAI और PWD के अधिकारियों को निर्देश देते हुए आपसी तालमेल से कार्य सुनिश्चित करने और आपस में किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन गैप नहीं रखने की हिदायत भी दी. चमगादड़ टापू पार्किंग को और अधिक सुविधाजनक बनाने के साथ साथ वहां शौचालय, जल, विद्युत और टेंट आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है. यात्रा की व्यवस्था हेतु राजस्व विभाग के कर्मचारियों को ड्यूटी पर लगाने के निर्देश भी उप जिला अधिकारी को दिए गए हैं. इस बैठक में SSP प्रमेंद्र डोभाल समेत के कई अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे. गर्मी का पारा गुजरात में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जिससे आम नागरिक तो ठीक, जेल में बंद कैदी भी बेहाल है. लेकिन ऐसे कैदियों के लिए सूरत में विशेष व्यवस्था की गई है. समूचा गुजरात भीषण गर्मी की आग में तप रहा है. गुजरात के सूरत में भी तापमान का पारा 40 डिग्री के आसपास पहुंच गया है. लोग गर्मी से बेहाल है और लगातार हीट स्ट्रोक जैसी दिक्कतों का शिकार भी बन रहे हैं. इसी बीच लाजपोर जेल में बंद कैदियों के लिए जेल प्रशासन द्वारा विशेष व्यवस्था की गई है. कैदियों को हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए लाजपोर में विशेष ग्रीन नेट लगाई गई है. साथ ही उन्हें छाछ और नींबू पानी इत्यादि देकर गर्मी से राहत देने की कोशिश की जा रही है, जिससे कैदियों के परिवारों जनों में भी खुशी का माहौल है. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે અત્યારે સમગ્ર ગુજરાતમાં હીટવેવનું પ્રમાણ છે. કેદીઓને જેલમાં હીટસ્ટ્રોક ન લાગે તે માટે, ગરમીમાં રાહત મળી રહે તે માટે પૂરતી વ્યવસ્થાઓ કરવામાં આવી છે. અમારે અહીંયા રેડિયો પ્રિઝનની વ્યવસ્થા છે, જેના માધ્યમથી કેદીઓને હીટવેવના સંદર્ભમાં શું તકેદારી રાખવી તે બાબતે અવારનવાર સૂચનાઓ રેડિયો પ્રિઝનના મારફતથી આપવામાં આવે છે. બંદીવાનોને તેમના બેરેકમાં દરેકને લીંબુ શરબત અને છાશનું વિતરણ કરવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત જે બંદીવાનો કોર્ટ મુદત હોય કે વિડીયો કોર્ટમાં જવાનું હોય કે મુલાકાત માટે હોય, એમના માટે એક અલગથી શેડની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. પહેલાં એ લોકો તડકામાં ઊભા રહેવું પડતું હતું, એ વ્યવસ્થા, એવી પરિસ્થિતિ નહીં સર્જાય, હિસ્સોક નહીં લાગે તેટલા માટે એમના માટે બેસવા માટે શેડ કર્યા છે, જેથી કરીને વ્યવસ્થા જળવાય, ડિસિપ્લિન જળવાય. જે બંદીવાનો બહાર પાર્ટીમાં કામ કરે છે, જેલની બહારના ભાગમાં, જેમ કે ભજી હાઉસમાં, પછી બહારના ગાર્ડનના ભાગમાં જે સફાઈનું કામ કે બીજી બધી વ્યવસ્થાઓ જે કામ કરે છે, એ બંદીવાનો માટે અમે એક છાંયડો નામની એક હટના ઝૂંપડી એક ઊભી કરી છે, જેથી કરીને ત્યાં એ વેસ્ટમાંથી વેસ્ટ કરીને બનાવી છે અને ત્યાં એ લોકો બપોરના સમયે જમી શકે, બપોરના સમયે રેસ્ટ લઈ શકે અને ત્યારબાદ પોતાનું કામ સારી રીતે સંભાળી શકે અને તેમને હિસ્સોક ન લાગે તે માટે તે વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. गुजरात के अरवली जिले के मोडासा में डॉक्टर की हत्या की सुपारी लेने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. मोडासा के प्रसिद्ध डॉक्टर अशोक असरानी को मारने की सुपारी लेने वाले दो लोग पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं. पुलिस ने पूर्व सूचना के आधार पर दो संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ में पता चला कि उन्होंने डॉक्टर अशोक असरानी को मारने की सुपारी ली है. इस मामले अन्य दो आरोपियों को पकड़ने की कवायद जारी है. ગાંધીનગર વિભાગના માનનીય રેન્જ DIG સાહેબ વીરેન્દ્ર યાદવ સાહેબ અને અરવલ્લી જિલ્લા SP સાહેબ શેફાલી બરવાલ સાહેબ, એમનું સતત ફોકસ રહ્યું છે અને એમની માર્ગદર્શન અને સૂચનાથી આપણે સતત નાઇટ પેટ્રોલિંગ ચાલુ હોય છે અને એમાં અલગ અલગ જગ્યાએ આપણે પોલીસ કર્મીને ફરજ ઉપર મૂકતા હોઈએ છીએ. તો એ અનુસંધાને જ ગત તારીખ 24/5/24 રોજ રાત્રિના જૂના બસ સ્ટેન્ડ પાસે, કે જ્યાં ઘણી બધી હોસ્પિટલો આવેલી છે અને ભીડભાડવાળી જે જગ્યા છે,
ત્યાં એક નંબર વગરની મોટરસાઇકલ ઉપર બે ઈસમો શકમંદ હાલતમાં જણાતા આપણા લીઓ ચોકી ઉપર જે ફરજ ઉપર કર્મચારીઓ હતા મહેશભાઈ અને નીતેશભાઈ કે જેમને લાગ્યું કે ભાઈ આ શકમંદ લોકો છે તો એમને બોલાવી અને પૂછપરછ એમની કરી તો એમણે કોઈ સંતોષકારક જવાબ ન આપ્યો અને વધુમાં એમને પૂછપરછ કરતાં એવું જાણવા મળેલ કે મોડાસાના પ્રતિષ્ઠિત ડૉક્ટર છે ડૉક્ટર અશોકભાઈ ઈસરાણી કે એમનું ત્યાં હોસ્પિટલ આવેલું છે જૂના બસ સ્ટેન્ડ પાસે અને આ અશોકભાઈના સાધુ છે જેમનું નામ છે કમલકુમાર હોતવાણી જે એમપીના મંદસૌરના વતની છે ઇન્દોર પણ નિવાસ કરે છે અને તેમને પતિ પત્ની વચ્ચે કોઈ મનમેળ ન હોય કોઈ એમને સામાજિક અને એ કૌટુંબિક ઇસ્યુ ચાલતા હોય જેને લીધે આ ડૉક્ટર અશોક ઈસરાણી છે એમને મારી નાખવાના ઈરાદાથી એમને આ બે શકમંદો છે એમને સોપારી આપેલી અને એ રેકી કરવા માટે એ રાતે એમને મોકલેલા હતા. ગુજરાત કે રાજકોટ કે કાલાવડ રોડ પર ટીઆરપી ગેમ ઝોન મે ભીષણ આગ લગ્ન કી ઘટના સામને આઈ જિસમે એક બચ્ચી કી મોત ભી હુઈ હૈ. રાજકોટ કે કાલાવડ રોડ પર ટીઆરપી ગેમ ઝોન હૈ જો બચ્ચું કા કાફી પસંદીદા હૈ. આજ શનિવાર શામ યહાં અચાનક ભીષણ આગ લગ ગઈ. आग इतनी प्रचंड थी कि आग की लपेट 5 किलोमीटर दूर से भी देखी जा रही थी. हादसे में एक बच्चे की मौत भी हुई है. वहीं 10 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है. कई लोग इस गेम जोन में फंस भी गए जिनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया. दमकल विभाग की टीम ने पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत की. भीषण आग से गेम जोन संपूर्ण रूप से जलकर खाक हो गया है. घटना की जानकारी पाकर पुलिस कमिश्नर राजू भार्गव और जिला कलेक्टर भी मौके पर पहुंचे. वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं. डेली हंट जियो टीवी वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है. देखते रहिए वीएनएम टीवी. नमस्कार.